दोस्तों ये है मोटो का G32 जो कि भाई 8GB 128GB के साथ आता है। मार्केट में ये फोन आपको 11,999 में मिलता है और ये फोन दोस्तों काफी सॉलिड फोन है। लेकिन आज इस वीडियो में पांच ऐसा रीजन बताऊंगा जिसके वजह से ये फोन आपको लेना चाहिए, लेकिन किस किस को लेना चाहिए और किस किस को नहीं लेना चाहिए वो भी बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं, उससे पहले लाइक का टारगेट सेट करते हैं दोस्तों 1000 प्लीज कंप्लीट करवा दो। तो देखो भाई मोटो का बॉक्स ब्लैक कलर में आता है, ऊपर G32 लिखा हुआ है और पीछे कुछ फीचर्स को यहाँ पर हाईलाइट किया है जो कि मैं आपको आगे वन बाय वन बताऊंगा। अब बारी है दोस्तों डब्बा खोल यानी अनबॉक्सिंग का। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें फोन देखने को मिल रहा है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ और ये है दोस्तों वो फोन जो कि मैं अभी फिलहाल साइड में रखता हूँ। बॉक्स के अंदर क्या है वो देख लेते हैं। तो बॉक्स के अंदर कुछ यूजर मैनुअल बुक मिलता है, साथ में एक सिम एजेक्टर टूल मिलता है और यहाँ पर 33 वाट का एक चार्जिंग एडेप्टर मिलता है। टाइप ए टू टाइप सी वाला आपको ब्लैक कलर में एक चार्जिंग केबल भी मिल जाता है। अब अगर हम लोग फोन में ध्यान देते हैं दोस्तों तो बैक साइड में भाई मोटो का फोन में कवर लगा हुआ आता है। तो फिलहाल मैं इसको बाहर निकाल लेता हूं और ये है दोस्तों इस फोन का लुक जो कि आप देख सकते हो G32 का। अब इस फोन का मैं पांच सॉलिड रीजन बताता हूं जिसकी वजह से इस फोन को आपको लेना चाहिए। पहला, यहां पर दोस्तों आपको 8GB का रैम मिलता है 11,999 में और 128GB का इंटरनल स्टोरेज, जिसकी वजह से यहां पर आपको एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का मिलता है। जब आप मतलब मोबाइल चलाते हो ना तब आपको पता चलता है भाई 8GB और 128GB वजह से आपको एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का मिलता है। नंबर टू, इस फोन का डिजाइन देखिए, इस फोन को बैक साइड से देखने में काफी खूबसूरत लगता है। ये भाई मेरे पास सिल्वर कलर में है बट इसका एक ब्लैक कलर भी आपको मिलता है। बैक पैनल में भाई जो कैमरा पैनल का डिजाइन है वो भी काफी अच्छा और प्रीमियम लग रहा है, थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। बाकी फोन पीछे से भाई थोड़ा सा शाइनी मारता है, मोटोरोला का आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पर डिजाइन तो काफी अच्छा है। बिल्ड की बात करें तो प्लास्टिक यूज किया गया है बट अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक है दोस्तों, बकवास क्वालिटी यूज नहीं हुआ है। और फोन को जब आप साइड से देखोगे गाइस तो काफी स्लिम सा आपको फील होगा। ओवरऑल इसका बैक साइड से या फिर साइड से फोन देखने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों इसका फ्रंट में भी काफी अच्छा डिस्प्ले यूज किया गया है, एक पंच होल डिस्प्ले मिलता है जहां पर चीन या फिर बेजल भाई ना के बराबर आपको मिलता है, जिसकी वजह से फ्रंट व्यू भी काफी अच्छा लगता है। नंबर थ्री, इस फोन का यूआई एक्सपीरियंस देखिए, मैं जब इस फोन को टेस्ट कर रहा था तो मैंने एक चीज भाई नोटिस किया, यहां पर क्लीन यूआई मिलता है, मतलब यहां पर एड वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता है, जिसके वजह से एक्सपीरियंस भाई और ज्यादा अच्छा और स्मूथ बन जाता है। वैसे तो इस फोन में भाई एंड्रॉइड 12 मिलता है बट कंपनी ने कहा कि एंड्रॉइड 13 का अपडेट भी आपको मिल जाएगा, यानी भाई यहां पर लेटेस्ट वर्जन आपको मिलता है। नंबर फोर, इस फोन का स्पीकर या फिर साउंड क्वालिटी देखिए, बैक साइड में यहां पर नीचे के साइड में एक स्पीकर है, ऊपर के साइड में भी एक स्पीकर है, ड्यूल स्पीकर है, डॉल्बी अटेम्प्ट्स का सपोर्ट है। सच बताओ दोस्तों इस बजट में जो साउंड क्वालिटी ये फोन निकाल के देता है नेक्स्ट लेवल का है, काफी अच्छा क्लियर लाउड यहां पर आपको साउंड निकाल के देता है। नंबर पांच, इस फोन का बैक साइड का कैमरा देखिए, बैक साइड में आपको 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का एक अलग सा सेंसर है। लेकिन इसका जो फोटो निकालते हैं दोस्तों वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, सबसे पहले वो देखो भाई, फोटो काफी अच्छा है, क्लियर है, डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर भी आपको ठीक ठाक निकाल के देता है, एज डेडिकेशन वगैरह या फिर स्किन टोन वगैरह आपको अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसका सेल्फी जो मिलता है 16 यानी 16 मेगापिक्सल उसका जो फोटो है दोस्तों वो आप सबसे पहले देखो, यहाँ पर सेल्फी भाई मुझे सही लगा, मतलब इस बजट में जो फोटो निकाल के देता है सेल्फी का वो भी मुझे सही लगा, कलर या फिर स्किन टोन या फिर एज डेडिकेशन सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेता है। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जिसके वजह से ये फोन आपको लेना चाहिए, यहाँ पर बैटरी बैकअप आपको काफी अच्छा मिलता है, 5000 mAh का बैटरी है, आराम से एक दिन निकाल के देता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन 33 वाट का चार्जर भी मिलता है और टाइप सी पोर्ट भी मिल जाता है, यानी एक कॉम्बिनेशन है भाई बैटरी डिपार्टमेंट में, तो ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो डिस्प्ले का यूज किया गया है वो भाई 6.55 इंच का है, फुल HD+ रेजोल्यूशन है, LCD पैनल यूज किया गया है, 90Hz है। सिक्योरिटी के मामले में फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, ये भाई मैंने टेस्ट किया है काफी अच्छा वर्क कर रहा है, बट कभी कभी ये स्लो हो जाता है बट ठीक है। तो ये कुछ धमाकेदार चीज आपको देखने को मिलता है जिसके वजह से आपको फोन को लेना चाहिए, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसा है जिसके वजह से ये फोन इग्नोर भी करना चाहिए। पहला पॉइंट जो मुझे देखने को मिला भाई, यहाँ पर आपको मेट फिनिशिंग नहीं मिलता है जिसके वजह से जल्दी से भाई फिंगरप्रिंट वगैरह आ जाता है, आपको भाई कवर मतलब लगा के यूज करना पड़ेगा या फिर आप जब हाथ में लगाओगे ऐसे मतलब टच करोगे तो फिंगरप्रिंट आ जाता है, जिसके वजह से गंदा सा फील होता है, तो ये चीज मुझे अच्छा नहीं लगा। नंबर दो, यहाँ पर जो चिपसेट यूज किया गया है क्वालकॉम 680 का चिपसेट, वो एक्चुअली में काफी अच्छा चिपसेट है, यहाँ पर मैंने टेस्ट किया है तो यूजर एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा, लेकिन गेमिंग के लिए ये फोन अच्छा नहीं है। नॉर्मल मतलब गेमिंग करवा के देगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हेवी गेमिंग करोगे ना तो फिर ये फोन थोड़ा सा हीट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो ये दो चीज मुझे इस फोन में अच्छा नहीं लगा, बाकी और जो अदर चीज है दोस्तों वो एक्चुअली में सही है, ये फोन एक्चुअली में वैल्यू फॉर मनी वाला फोन है। अगर आपका बजट 12,000 है तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो, लेकिन किस किस को लेना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका घर में फादर है, मम्मी है, उसको आप मतलब कोई फोन गिफ्ट करना चाहते हो फिर ये फोन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, उसको आप मतलब गिफ्ट कर सकते हो। लेकिन गेमर को भाई ये फोन टारगेट नहीं करता है, नॉर्मल डे टू डे हर एक काम कर देगा, कोई इशू
भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह था दोस्तों कंप्लीट रिव्यू मोटो G32 का, जो कि मैंने आपको बताया एक्चुअली में अभी लेना चाहिए या फिर नहीं। बाकी आपको कैसा लगा यह फोन कमेंट करना, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। मिलता है आपको अगला कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, टेक केयर।